नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस समय हम मौजूद है वसई के दीनदयाल नगर में, जहां आज बहुजन विकास अघाड़ी के एक नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय में हमारे साथ जो कार्यालय के मेन कर्ता धर्ता है इकबाल हुदा जी वो है हमारे साथ। इनसे हम मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके पहले आपको हम अपने कैमरे पर सुनाना चाहेंगे, वसई विधायक जितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा यहाँ आए थे उद्घाटन करने, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। तो पहले आप ये सुने कि विधायक जितेंद्र ठाकुर ने क्या कुछ कहा, उसके बाद हम मुलाकात चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपन क्या कहेंगे, आज नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, किस तरह से शुरुआत है? हमारे इधर के सभी दूसरे कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलके एक अच्छा कार्यालय खुला, कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा। इस ऑफिस में से लोगों की अच्छी सेवा करेंगे, जो भी अटके हुए काम ये वो आते हैं, मानकर साहब का ऑफिस है, ये है, उधर है, तो सभी ऑफिस के माध्यम से लोकल जो आजू बाजू में रहते हैं उनको लंबे जाना नहीं चाहिए, छोटे मोटे का। बाकी हम तो आई अगर इधर कुछ बड़ा है, इधर सॉल्व नहीं होता तो करने को है, यहाँ के छोटे मोटे काम इस ऑफिस के माध्यम से छूटेंगे। अब बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव अपने 3 MLA चुन के आने वाले, वो चौथा या पांचवा कैसा करने का है, इसकी मैं सोच रहा हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा वो देख रहा हूँ, उसकी चिंता आप मत करो। अब पिछले चुनाव में देखा गया कि वोटर लिस्ट में काफी गड़बड़िया हुई, आपने भी खुद ये गड़बड़िया तहसीलदार प्रांत वगैरह अलग अलग इसके जो है उनसे मैंने बात की है, अपने लोगों को बोला है कि जो भी नाम अभी डिलीट ही हुई है तो वापस सबमिट करने चाहिए, वो करे। तो आपने सुना विधायक जितेंद्र ठाकुर जी ने जो कुछ कहा, इलेक्शन है वो बात तो उन्होंने कही है, उन्होंने खास करके ये कहा कि ये जो ऑफिस है पब्लिक के कामों के लिए यहाँ शुरू किया जा रहा है। अब सीधा मुलाकात करते हैं इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आज आपके ऑफिस का उद्घाटन हुआ, आप आए थे, हमने कैमरे पे दिखाया भी है, और उनके साथ में आपके साथ में पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता भी आए थे, क्या कहना चाहिए? वोटर लिस्ट कोई चीजें है, पानी का मसला है, उनके एडमिशन का मसला है, मेडिकल है, ऐसे जो भी जीवन जरूरी चीजें उनके रूटीन लाइफ में होती है, और वहाँ उनको जहाँ भी जरूरत पड़ती है उनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए एक सेंटर खोला हुआ है। हमारे नागर मानकर साहब थे, महापौर रह चुके हैं, हमारे उप महापौर थे, हमारे नगर अध्यक्ष मुकेश सावे जी थे, जो माजी नगर अध्यक्ष विधान म्युनिसिपल काउंसिल के थे, और बाकी सभापति थे, नगर सेविक माजी नगर सेविका वगैरह सब लोग काफी थे, व्यापारी मंडल थे। तो हम बात करते हैं इकबाल जी से, और इकबाल जी ने जैसा बताया आपने सुना, साथ ही साथ वीडियो के आगे आपने विधायक जितेंद्र ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा वो भी सुना। पिछले चुनाव में जिस तरह से विधायक जितेंद्र ठाकुर जी ने शिकायत की थी कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां है काफी पाई गई है, तो उसको लेकर हमने सवाल किया, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस बार प्रशासन से इस बारे में बात की गई है। अब बहुत जल्दी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, और विधायक जितेंद्र ठाकुर जी ने एक खास ये कहा कि अपने 3 पक्के, चौथा और पांचवा कैसा होगा उसका प्रयास जारी, तो बहुजन विकास अघाड़ी अपनी जीत को लेकर आशान्वित लग रही है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई विरार से। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।